वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश टेलर जी। आज हम आपको पैंट की कटिंग सिखाएंगे। पैंट की कटिंग सिखाने के लिए सबसे पहले आप पैंट के नीचे जो मार्जिन है उसके नीचे एक डेढ़ इंच का मार्जिन रख लीजिए। फिर आप जिसकी जितनी लंबाई है उससे एक इंच कम लंबाई ले लीजिए और सीधा शेपर फट्टी से शेप लगा दीजिए। उसके बाद में आपने इसका आसन रखना है। आसन रखना आपने इसका 12.5 इंच पर और उसके बाद में आपने इसका गोड़ा रखना है 22 इंच के ऊपर। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से भी आपने इसको स्ट्रेट निशान लगा देना है। अब आपने इसकी हिप्स का मेज़रमेंट लेना है। मान लीजिए इसकी हिप्स 36 इंच की है तो 12 किया 36 होता है, उसमें 2 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ये 10 ऊपर से 10 नीचे से, 1.5 इंच का आगे आसन से आगे इसका मार्जिन का रख लीजिएगा जो जिससे इसकी शेप बनेगी। इसका गोड़ा 14 इंच का है तो आधा रखेंगे 3.5 इंच पर और साइड से 7 इंच पे। नीचे मोरी जो है इसकी वो है 12 इंच की। अब हमने इसकी शेपर फट्टी से जहाँ से हमने इसका मार्जिन लिया है वहाँ से इसका निशान लगा देंगे। ये हमने इसका शेपर फट्टी से निशान लगा दिया। ये अभी हमारी पैंट की कटिंग होगी, फ्रंट की कटिंग होगी। इसके बाद हम बैक की कटिंग भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उसके बाद में हम इसकी आसन तक शेपर फट्टी से सिलाई लगाएंगे और ये हल्की सी हम इसकी शेप बना देंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग को करना शुरू करेंगे। ये यहाँ से हम पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में फ्रंट वाली कटिंग बिल्कुल इसके निशान निशान के ऊपर कर लेंगे। इसके अंदर हम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देंगे, निशान से बिल्कुल पैर पैर थोड़ा सा जितनी सिलाई होनी है उतने पर कटिंग कर देंगे हम इसकी। नीचे से हम इसकी स्ट्रेट कटिंग कर देंगे, उसके बाद में इसको फ्रंट को हटा देंगे और बैक के अंदर हमने जितनी इसकी हिप्स थी उतना इसका तीसरा हिस्सा ही लेना है। तो इसके हमने इसका ये 2-2 इंच फालतू हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 12 इंच का, 1-1.5 इंच का फालतू ले लेना है आसन वाली जगह तक। और उसके बाद में ये नीचे साइड से भी हम इसका 1.5 से 1.75 इंच का मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे। पैंट की कटिंग सीखने के लिए ये साइड से हम इसके मार्जिन नहीं रखते, ये बिल्कुल इसके निशान के ऊपर ही हम इसकी सिलाई को लगा दें, इसको कटिंग को कर देंगे। उसके बाद में साइड से जो हमारी लाइनिंग ये बंद है इसको हम ओपन करेंगे, कैंची से कट कर देंगे। इस साइड से हमने इसको कैंची से कट कर दिया है। अब ये इसकी हम कमर का निशान लगा देंगे। इसकी कमर है 33 इंच की, जहाँ पे हमने इसको सिलाई करना है बेल्ट, और गोड़ा है इसका 14 इंच का और मोरी है इसकी 6 इंच की।